डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडिया जी आप स्वागत करें डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडिया जी फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन एंड राइटर आदरे मंच में उपस्थित महानुभाव समादरित अति सम्मानित उपस्थित सभी लोग आज यहां पर यह कहने में बड़ा आनंद आता है कि एक कमरे में एक व्यक्ति के द्वारा एक संस्था का की कल्पना और उसके बाद उस संस्था को बना करके उसको स्थानीय प्रांतीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने का जो काम किया है इसके लिए हम सब लोग डॉक्टर विवेक गौतम को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं डॉक्टर विवेक गौतम में एक क्षमता तो है ही जो हम बार बार कहते हैं कि वो समाज में जाकर के उन लोगों को जरूर ढूंढते हैं जिन्हें कि समाज के अन्य लोगों को प्रेरणा के रूप में देखने का मौका मिलता है आप तमाम प्रोफेसरन यहाँ पर आए प्रिंसिपल लोग बड़े बड़े कॉलेजों के बड़े बड़े पदाधिकारी और मंच में आने वाले तो जब नए लोग गाते हैं उनसे जब हमारा परिचय होता है हमें लगता है कि हम एक कदम और ऊपर हमारा स्तर और ऊपर बढ़ गया है आप सब लोगों के कारण जो सम्मान मिलता है उसके लिए हम आप लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं मैं इस परिचय के लिए आप लोगों के बीच आने के लिए आप लोगों के सामने खड़े होकर के और यहाँ पर यह सब अपनी बात कहने के लिए जब दूर रुड़की से आता हूँ तो इसका श्रेय डॉक्टर विवेक गौतम को जाता है कि वो ऐसे समय पर हमें याद कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर आते हैं ये 29वां सम्मेलन उनका है और मेरा अपना अपनी याददाश्त ये है कि शायद ही कोई ऐसा सम्मेलन रहा होगा जिसपे मैं ना आ पाया हूँ इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ बातें ऐसी हैं हम अब बूढ़े लोग हो चुके हैं और मेरे ख्याल से हास्य पे जाने वाले लोग हैं और कभी कभी फिर हास्य से अंदर ले जाते हैं ये लोग हमारी नई पीढ़ी के लोग और हमारे विवेक जैसे लोग यहाँ पर अभिनय अभिनव रघुवंशी जी की जो पुस्तक आई है ये रचना धर्मिता की एक मिसाल तो है ही किसी बात की प्रस्तुति करने की एक क्षमता भी है संभव है कि इसमें बहुत सारी सूचनाएं हों और संभव है कि उन सूचनाओं के आधार पर मैंने जो किताबों और पुस्तक को भी पढ़ा नहीं है उनके आधार पर बहुत सारी मान्यताएं और स्थापनाएं भी की गई होंगी ऐसी युवा उम्र के लोग जब इस प्रकार की पुस्तकें लिखते हैं सामने आते हैं तो बहुत पुराने समय में जिन लोगों को हम पढ़ते थे तौर को हमने पढ़ा है अंग्रेजी में उनकी कविता थी छोटी छोटी उम्र के लोग 16, 16, 17, सत्रह साल के लोग लिखते थे आप की जो पुस्तक यहाँ पर और आपका जो परिचय यहाँ पे मिला है उसमें तो जो आपकी गंभीरता और जो आपका मैच्योरिटी दिखाई देती है वो कम से कम आपकी उम्र से तो बहुत अधिक है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें